दोस्तों, हमारा चैनल गूगल स्पोर्ट में आपका स्वागत है कि जिसमें स्पोर्ट के बारे में हर एक न्यूज आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब इन कारणों से गंभीर और युवराज की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम दो वनडे मैच और 3 T20 मैच में हो जाएगी वापसी। 10 सितंबर रविवार को भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती 3 वनडे मैच के लिए चयन कर लिया गया था। भारतीय चयनकर्ताओं ने भारतीय टीम के इस चयन में अनुभवी खिलाड़ी गौतम गंभीर और युवराज सिंह दोनों को ही एक बार फिर नज़रअंदाज किया था। मगर आज हम आपको ऐसा कारण बताने वाले हैं जिसे बाकी बचे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो अंतिम वनडे मैच व 3 T20 मैच में गौतम गंभीर और युवराज सिंह दोनों की ही भारतीय टीम में वापसी हो सकती है। अगर हम भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो अंतिम वनडे मैच व 3 T20 मैच की टाइमिंग देखें तो वह उस दौरान है जब BCCI की घरेलू दलीप ट्रॉफी को मैच खेलने जाने हैं। वह इंडिया ए टीम को न्यूजीलैंड ए टीम के साथ खेलना है। अनुभवी खिलाड़ी गौतम गंभीर और युवराज सिंह दोनों को ही भारतीय चयनकर्ताओं ने ना तो दलीप ट्रॉफी की किसी भी टीम में शामिल किया है और ना तो इंडिया ए टीम में शामिल किया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत की टीम से खेलने का मकदा रखने वाला हर खिलाड़ी या तो दलीप ट्रॉफी में किसी टीम से खेल रहा है या तो इंडिया ए की टीम से खेलने वाला है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती 3 वनडे में किसी भी खिलाड़ी को चोट लगती है या फिर उनका प्रदर्शन खराब रखता है तो ऐसे में पूरी संभावना है कि अनुभवी खिलाड़ी गौतम गंभीर और युवराज सिंह को टीम का बुलावा आ सकता है, क्योंकि उस समय भारतीय टीम के लगभग सभी घरेलू क्रिकेटर BCCI के व्यस्त कार्यक्रम में रहेंगे और मात्र गौतम गंभीर और युवराज सिंह ही ऐसे खिलाड़ियों में होंगे जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने की काबिलियत रखते हैं।